क्या कोई ऐसा बंधन है जिससे अपने प्यार को कंप्लीटली परमानेंटली हमेशा के लिए बांधा जा सकता है? तो हां, ऐसा किया जा सकता है। आपको यहां गांठ मारनी है उनके नाम से, उसके बाद उनके दिल में, जहन में, दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ख्यालात उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे और आपकी तरफ आने के लिए विवश होगा आपका प्यार, हमेशा के लिए बन जाएगा। 7 जन्मों के लिए पाना चाहते हो उसे, तो बेहतर सलूशन है ये। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भर के, आपके रिश्तों को मधुर बना करके, आपकी पारिवारिक लाइफ को बहुत बेहतर बनाने का नाम है। आपके संबंधों को बचाया जाता है, रिश्तों को मजबूत किया जाता है, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ को सिक्योर किया जाता है। आपको हर रिश्ते में जिताना सिखाया जाता है, आपको जीना सिखाया जाता है। ये सब कहाँ होता है? लव विद एस्ट्रोलॉजी में। ये जो भी मैं कह रहा हूं, ऐसा कितने लोगों के साथ हो चुका है? यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये निरंतरता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों की बातें होती हैं। हम गहरे रिसर्च को आपके सामने सामान्यतः रखते हैं, रोज कुछ सिखाते हैं, रोज कुछ बताने की कोशिश करते हैं, और ये रिश्ता हमारा आपका बहुत बेहतर चल रहा है। इस रिश्ते को आप और बेहतर बनाए रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस व्यवस्था को सूत्रपातित करें। रिश्तों को बांधने का काम है, रिश्तों को बांधे रखने का काम है। रिश्तों में बंधन चाहिए, बिना बंधन के रिश्ते नहीं चलते। मैं कह रहा हूं कि यहां गांठ लगा दीजिए, इस प्रकार से गांठ मारकर यहां रखने मात्र से आपके जीवन की वो सारी की सारी सुविधाएं आपके पक्ष में हो जाती हैं। आपको पता है, प्यार विवश हो जाएगा, रिश्ता तुम्हारा ही हो जाएगा। बहुत गहरी बात है, गंभीरता से समझने की कोशिश करो। ये सल्यूशन, ये उपचार कई सारे ग्रंथों का सम्मिश्रण है। मैं आज का ये जो कंप्लीट सार है, ये बट सावित्री से संबंध रखता है। आज मैं जो बात कर रहा हूं, पंच महाभूतों की बात कर रहा हूं। महाभूत मतलब वो वाले भूत प्रेत वाली बात नहीं करो, पंच महाभूत जो हर किसी के अंदर होते हैं। पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, और ये थोड़ी अंदरूनी बातें। आपके शरीर में 10 इंद्रिय है, 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत कौन से? वो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये वाली बात कर रहा हूँ। ये 5 भूत हैं आपके अंदर। तो आज मैं कह रहा हूँ कि वही पंचभूत किन तत्वों में पाए जाते हैं, किन जगहों पे उनका ज़्यादा समावेश होता है, उसको बड़ा सरल तरीके से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। सामग्री क्या चाहिए? सामग्री चाहिए कोई भी ऐसा धागा, डोरी, सुतली या कोई भी ऐसी रस्सी जिसे आप सामान्यतः प्राप्त कर सकें। उसके साथ चाहिए कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और आपकी श्रद्धा। मात्र इतना अगर आपके पास में है तो आज आपका विजय होना सुनिश्चित है। तो आज मैं कह रहा हूं, गांठ मारो भाई, बांध लो अपना रिश्ता हमेशा के लिए। जानना अगर चाहते हो कैसे करना है, एक छोटा सा अनुभव लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम नमः शिवाय। नमस्ते गुरुजी, आपसे मैं जुड़वा होके पूजा करवाया गुरुजी, उस दिन से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना के रखना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, सब तुम्हारा ठीक हो, तुम हर तरफ से प्रसन्न रहो, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो और तुम्हारी किसी भी तरह से कोई अभिलाषा अधूरी रह जाए, ईश्वर सब आपको दे। सबसे पहले तो खूब सारा प्यार दे, क्योंकि तुम श्रद्धावान हो, तुम विश्वास रखते हो अपने गुरु पर, आपका विश्वास आपके गुरु के चरणों में अनुराग है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से गांठ बांधने से आपका सब कुछ बन जाएगा। सब कुछ मतलब अच्छा वाला रिश्ता बनकर आपकी तरफ आएगा, उस रिश्ते को बांध कर खींच लो ना अपनी तरफ। क्या करना है आपने? आपने करना यह है कि आपके अपने 3 हाथ की रस्सी, डोरी, सुतली, रेशम, धागा, ऊन, कलावा, जो मिले वो ले लीजिए।
और उसको खूब अच्छे से कच्चे दूध से धो लीजिए। लेने के बाद उसमें हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, सिंदूर इत्यादि जो भी मिल जाए वो ले लीजिए, लगा दीजिए चारों तरफ पूरी रस्सी भर में खूब अच्छी तरीके से। और सबसे इधर का हिस्सा और इधर के हिस्से में दोनों तरफ अलग अलग गांठ मार देनी है, उनको आपस में नहीं बांधना। यहाँ पहले गांठ बांधो, जैसे सिलने के लिए किनारे पे धागा में गांठ मारते ना, बिल्कुल उस तरह से दोनों तरफ ऐसी गांठ मार लो। फिर उन दोनों के बाद ये दो गांठ हो गई, इन दो के बीच में पांच और गांठ बांधनी है। हर गांठ में पांच पांच बार अपने पति का, पत्नी का, प्रेमी का, प्रेमिका का, चाहने वाले का, चाहने वाली का, जिस भी रिश्ते में तुम हो उसका नाम लेकर फूंक मारनी है और बांध देना है। इस रस्सी, इस डोरी, इस कलावे को या इस धागे को आपको पांच वृक्ष बता रहा हूं, उनमें से किसी में भी जाके लटका दीजिए, वहां जाके ठीक से बांध दीजिए। बांधने का तरीका बताऊंगा आपको बेहतर तरीके से। पहले वो पेड़ समझ लीजिए, आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और नीम, इनमें से किसी भी पेड़ में बांध दीजिए जो भी आपको मिलता हो। कोई विशाल वृक्ष हो तो चलेगा, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनको मैपल लीप मिल जाएगी उसमें बांध सकते हैं। जो जहाँ वो अवेलेबल नहीं है उन लोगों को कोई भी विशाल वृक्ष मिल जाए ना जिसके पत्ते थोड़े बड़े हों, वहाँ भी आप बांध सकते हैं। वैसे तो ये वृक्ष प्रायः पूरे विश्व भर में है, पर जहाँ पर कदाचित नहीं अवेलेबल हो वहाँ आप किसी भी विशाल वृक्ष में डाल सकते हैं। बांधेंगे कैसे वहाँ जा करके? वहाँ जा करके किसी भी डाली के, डाली पर रस्सी पीछे से ले जाकर बिल्कुल बराबर सिरा ला करके और एक गांठ मार देनी है। नीचे के सिरे दोनों बराबर खुले हों और बीच में एक गांठ मार दीजिए। यानी जिस प्रकार से गले में लोग स्कार्प बांध लिया करते हैं वैसा लटका देना है उसको। ये काम पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। सामग्री कुछ खास नहीं लग रही है, एफर्ट्स कोई बहुत स्पेशल नहीं लग रहा है, तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुमने बहुत तल्लीनता से प्रेम किया है किसी को, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राणों से ज्यादा कीमती कोई वस्तु है, तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी नियति एक मैसेज पास करती है प्रकृति को और वैसा काम होने लग जाया करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अद्योत शास्त्रम मद बुद्ध लाभम करोति यत सा तम यस सुनिश्चित। ये व्यवस्था सूत्रवत जाल पर काम करती है। तुम बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तो मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। अपना खूब ख्याल रखना, रोना बिलखना बिल्कुल भी नहीं, निगेटिव होना 100% मना है, प्रीवियस लाइफ नहीं ही बताना है। ये सब चीजें अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे गुरु का 100% साथ आपके साथ है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।